الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم درود پڑھے محمد رسول اللہ حضرات سامعین آپ نے جو مجھے محبت اور جو میری عزت افزائی کی ہے میں نے کل بھی کہا تھا نام ایک ہے یعنی وہی حیدرآباد ہے میں حیدرآباد میں ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں آیا بات یہ ہے کہ آپ نے اخبارات میں جو میرے بارے میں پڑھا ہے یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے حالانکہ میں اہل زبان بھی نہیں ہوں لیکن ہاشم بھائی نے آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت کا جو معیار ہے اس پر میں پورا اتروں اور ویسے بھی میری تقاریر پاکستان میں بھی میری کسی سیاسی پارٹی سے نہ تعلق رہا ہے اور نہ ہے میں میری تمام زندگی بسر ہوئی ہے آل محمد کے ذکر میں اور انشاءاللہ میری یہاں بھی پوری کوشش ہوگی کہ میری تقریر جو ہو حالانکہ میں اگر حدیث پڑھوں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ میرے امام نے نہیں کہا تھا کہ کتاب کافی ہے لیکن میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے تو انشاءاللہ میری جتنی تقاریر ہوں گی وہ قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی میں نے اپنے عنوان میں جو آیت رکھی ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے جس کا نمبر 100 ہے اس آیت میں اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کر رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے یعنی اللہ تمام عالم انسانیت سے سوال کر رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کافر کیسے بن سکتے ہو یہ ناممکن ہے کہ تم کافر بن سکو اور اللہ کہہ رہا ہے مخلوق سے تمام عالم انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ وکیف تکفرون تم کافر کیسے بن سکتے ہو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تمہیں میرا قرآن ہے جو میرا قرآن ہے وفیکم رسول اور تم میں میرا رسول موجود ہے تھا نہیں ہے تم کافر کس طرح بن سکتے ہو تم کافر کیسے ہو سکتے ہو یہ 1400 برس پہلے ان سے آیت مخاطب تھی جو اس زمانے میں موجود تھے اور یہ آیت آج
हमसे मुखातिब है और ये आयत आयत जो है ये कयामत तक मौजूद है और रहेगी और आने वाले जितने भी इंसान हैं उनसे ये आयत सवाल करती रहेगी कि तुम काफिर कैसे बन सकते हो, तुम काफिर कैसे हो सकते हो जब तुम में कुरान भी है और मेरा रसूल भी मौजूद है। था नहीं है, जब है तो फिर है। तुम काफिर कैसे बन सकते हो जब तुम में कुरान भी है, तुम पर अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है और तुम में मेरा रसूल मौजूद है, तुम में मेरा रसूल मौजूद है। और वमई या तस्म बिल्ला फकत हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, और फिर जिस जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिस जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, फकत हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, तो यकीनन उसको हिदायत की गई सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब मैंने ये तर्जुमा कर लिया, आयत आपकी खिदमत में मैंने पेश की और मैं समझता हूं कि कम अज कम इस आयत ने इतना तो बताया कि तुम काफिर कैसे बन सकते हो जब तुम में कुरान भी है और मेरा रसूल भी मौजूद है। पता चला कुरान ने इतना तो बता दिया कि जिसने भी दोनों चीजों में से एक को छोड़ा है वहां हमेशा कुफर का अंदेशा रहेगा। जिसने भी इतना तो पता चल गया कि जिसने भी दोनों में से एक को छोड़ा तो वहां कुफर का अंदेशा भी रहेगा और वहां गुमराही भी रहेगी। दोनों में से पता चला और आपने अंदाजा लगाया कि कितनी मुताबकत है कुरान में और रसूल में, कुरान में और रसूल में कितनी मुताबकत है कि अल्लाह ने जो सवाल पूछा था यानी हिदायत वहां होगी जहां कुरान होगा रसूल होगा, सिरात मुस्तकीम पर वही होगा जहां कुरान और रसूल दोनों होंगे, और कितनी मुताबकत है। मैं तो कह रहा हूं कि पहले रसूल का जिक्र होता बाद में कुरान का जिक्र होता, कि तुम काफिर कैसे हो सकते हो जब तुम में रसूल भी मौजूद है और कुरान भी मौजूद है, लेकिन यहां अल्लाह ने पहले कुरान का जिक्र किया बाद में रसूल का जिक्र किया, पहले कुरान का बाद में रसूल का, और कितनी मुताबकत है रसूल में और कुरान में कि जब रसूल ने भी कहा तो यही कहा कि इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। ये तारकुन, तारकुन इसमें फाइल है, तारकुन इसमें फाइल है जो दवाम पर दलालत करता है कि मैं तुम में दो सकलैन, दो सकलैन छोड़ने वाला हूं, कुरान और मेरी अहल बैत जो मेरी इतरत है, जो मेरी इतरत है। मैं तो अगर तुमने दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ा, अब मैं आया यहां और आपने मुझसे पूछा, पहले तो तस्ने का सीगा तब आता है जब इज्जत एक हो, इस्मत एक हो, जिन्स एक हो, तो यहां जो रसूल ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं और वो कुरान अल्लाह की किताब और मेरी अहल बैत जो मेरी इतरत है छोड़ के जा रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मैं जब यहां से हैदराबाद दखन से जाऊं और मैं आपको कहूं भाई ये मिंबर मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं, ये लाउड स्पीकर मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं, ये इमाम बारगाह जो है मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं, आप सारे कहेंगे भाई हाशिम भाई ने तो कहा था कि अब्दुल हकीम पढ़ा लिखा है, ये तो बेवकूफ है। अब अब्दुल हकीम कह रहा है कि मैं लाउड स्पीकर छोड़ के जा रहा हूं, भाई अब्दुल हकीम की ये मिल्कियत तो नहीं है।
ये अब्दुल हकीम को तो मिल्कियत नहीं है क्या? अब्दुल हकीम अपने साथ लेकर आया था क्या? कसा रहा है कि मैं ये लाउड स्पीकर भी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और मैं मिंबर भी छोड़ के जा रहा हूँ, इमाम बारगाह भी छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्या अब्दुल हकीम पाकिस्तान से लेकर आए थे क्या? कहेंगे ये तो बेवकूफ है। लेकिन अगर वही अब्दुल हकीम अपनी घड़ी उतार कर किसी बुजुर्ग को दे दे कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे कितना अच्छा था। पता चला छोड़ी चीज वो जाती है जो कोई अपने साथ लेकर आता। पता चला पूरी तवज्जह कर रहा हूँ, पता चला छोड़ी चीज पूरी तवज्जह चाह रहा हूँ। पता चला आप नारे कम लगाए तक आपको मैं ज्यादा में ज्यादा मवा दे सकूं। मैंने क्या कि छोड़ी चीज वो जाती है जो आदमी अपने साथ लेकर आता है। यहीं से पता चला कि रसूल ने इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन किताब लावत रसी अहल बैती कहकर दुनिया को बताया था कि जहां से मैं आया हूं वहां से कुरान भी आया है और वहां से अहल बैत भी आया। जहां से मैं आया हूं वहां से कुरान भी आया है और वहां से अहल बैत भी आए। जहां से मैं आया हूं, अब कबला तमाम मुसलमान भाइयों के लिए अगर आप जो है मेरा साथ दे, लेकिन खामोशी में ताक में 14 आयतें पढ़कर एक नतीजा निकालना चाहता हूं कि शकलैन जब कहकर तो कम अज कम जितने मेरे मुसलमान भाई हैं उनको इतना तो मानना चाहिए कि ये रसूल जो है कुरान जैसा है। कम अज कम ये अकीदा होना चाहिए कि हमारा रसूल जो है वो कुरान जैसा है। अब ये पता चला, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन अब जो मैं जुमला तमाम मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, अब कुरान क्या है? आइए कुरान से पूछते हैं कि कुरान क्या है। तो अल्लाह ने सूरत नहल में इरशाद फरमाया व नज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये कुरान हिदायत है, ये कुरान तिबयान है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान बशारत है। और फिर उसी अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत एराफ में हाजा बसायरुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिकौमी युमिनून। ये कुरान अक्ल है, ये कुरान दलील है, ये कुरान फिक्र है। और उसी अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया सूरत निसा में लाकिन अल्लाह यशहद बिमा अंजल इलैका अंजलहु बिइल्मिही। ये कुरान इल्म है, तवज्जा चाह रहा हूं, ये कुरान इल्म है, आलिम नहीं, ये कुरान इल्म है। पूरी तवज्जा चाह रहा हूं, ये कुरान तिबयान है, हिदायत है, बयान है, और ये कुरान बसीरत है, अकल है, दलील है, फिक्र है। और ये कुरान जो है अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जो कुरान है, ये कुरान जिसको मैंने नाजिल किया है, ये कुरान हिदायत है। और फिर उसी अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरते बनी इसराइल में वन नज़ल मिनल कुरान मा हुव शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान रहमत है और ये कुरान शिफा है। शिफा की माने है प्यास बुझाने वाला, यानी अगर किसी को औलाद की प्यास है तो ये कुरान तुम्हें औलाद अता करेगा, किसी को दौलत की प्यास है तो ये कुरान तुम्हें दौलत अता करेगा। पता चला ये कुरान मुश्किल कुशा है, ये कुरान मुश्किल कुशा है, जो मांगो ये कुरान देता है, ये कुरान मुश्किल कुशा है। और फिर अल्लाह ने फरमाया जिससे मैंने सूरत निसा में फरमाया कि लाकिन अल्लाह यशहद बिमा अंजल इलैका अंजलहु बिइल्मिही। ये कुरान इल्म है। और उसी अल्लाह ने उसी सूरत निसा में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास
قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. یہ میرا قرآن برہان ہے, دلیل ہے, مبین ہے, نور ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورتیں بنی اسرائیل میں, ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. یہ قرآن حکمت ہے, حکیم نہیں. حکیم وہ ہے جو اس کو جانتا ہے. یہ قرآن حکمت ہے, یہ قرآن حکمت. اور پھر اللہ نے سورت فرقان میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرق ہے, فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے. یہ قرآن, یہ قرآن, پوری توجہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, یہ قرآن فرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اور پھر ارشاد ہوا اسی اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا سورت طہٰ میں طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ قرآن طاہر ہے, یہ قرآن تذکرہ ہے, یہ قرآن تذکرہ ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورت الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے. اور اسی سورت الحجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یہ میرا قرآن عظیم ہے. اور پھر اللہ نے سورت الزمر میں ارشاد فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ میرا قرآن بے عیب ہے. اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے, اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ میرا قرآن بے عیب ہے, یہ میرا قرآن بے عیب ہے. پھر سورت حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمین. اس میرے قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں, کیونکہ یہ میری موسوم کتاب ہے, یہ میری موسوم کتاب ہے, یہ میری موسوم کتاب ہے. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بشارت بھی ہے, یہ عقل بھی ہے, یہ فکر بھی ہے, یہ علم بھی ہے, یہ موسوم بھی ہے, یہ بے عیب بھی ہے. اب دو آیتیں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں. اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن ہے, جو قرآن ہے, ویسے رسول کو بھی تو مانو, ویسے رسول کو بھی تو مانو. جس کیوں کہ جس اللہ نے کہا تھا, جس اللہ نے کہا تھا. معاف کرنا, پانچ آیتیں اور پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری پہلی تقریر ہے تو آپ ٹائم کا خیال نہ کرنا, کیونکہ میری تقریر بڑھ جاتی ہے. میں نے عرض کیا میرے دوستو پورے قرآن حکیم میں لفظ دو استعمال ہوئے, عبدہ. گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی, پوری توجہ. عبدہ پانچ, اب ان میں فرق ہے. عبدہ اس کا عبد. جہاں لفظ عبد آیا ہے وہاں سے مراد طالب ہے, اور جہاں سے عبدہ آیا ہے وہاں سے مراد مطلوب ہے. رسول میں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاؤں میں یہی فرق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہیں, اللہ مطلوب ہے, لیکن رسول مطلوب ہے, اللہ طالب ہے. اب آئیے پانچ آیتیں پڑھ کر جو میرا نتیجہ ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. پانچ آیتیں جو پڑھنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے اللہ نے سورت فرقان میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ, بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا. اور وہ عبد میرا معمولی عبد نہیں ہے, وہ عالمین کا حادی ہے. اور پھر اللہ نے اور جتنی آیتیں ہیں عبد ہی, پورے قرآن حکیم میں اللہ نے پانچ مرتبہ
अपने रसूल को अब्दुहू अब्दही कहा, ये हर्फ जार की वजह से अब्दही आया। पूरे कुरान में 5 मकामात पर और 5 सूरतें जिनमें ये आयात है वो मकी है। अब एक एक लफ्ज पर गौर करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पाक है वो अल्लाह जिसने अपने अब्द पर कुरान को नाजिल किया और वो उसके अब्द आलमीन का नजीर है। और फिर अल्लाह ने सूरत नजम में इरशाद फरमाया, जब रसूल काब कौसैन पर पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दही मा औहा। फिर अल्लाह ने अपने अब्द पर जो वही करनी चाहिए वो वही की। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत अल हदीद में, सूरत अल हदीद मक्की सूरत, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर। बाबरकत है वो अल्लाह, तारीफ है उस अल्लाह की जिसने अपने अब्द पर कुरान को नाजिल किया, वाज़े आयतों को नाजिल किया जो तुम्हें ज़ुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है। और फिर अल्लाह ने सूरत काफ में इरशाद फरमाया, सूरत काफ मक्की सूरत है, इरशाद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ है उस अल्लाह की जिसने अपने अब्द पर किताब को नाजिल किया, और वो उसका अब्द वो है जो बेऐब अब्द है, उस अब्द में कोई ऐब नहीं है। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत बनी इसराइल में सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलो मिनल मस्जिद अलहराम इलल मस्जिद अलअक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीहू मिन आयातिना। बाबरकत है वो अल्लाह, तारीफ है उस अल्लाह की जो अपने अब्द को लेकर गया। अब मैंने जो इतनी आयतें पढ़ी, ये जो खास करके मैंने 5 आयतें पढ़ी, आप मुझे बताएं कि इन 5 आयतों में अल्लाह ने किसकी तारीफ की है? अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरी आधे घंटे की जो तकरीर है जो मैंने इतनी आयतें पढ़ी, किसकी अल्लाह ने तारीफ की है? ये जो मैंने 5 आयतें पढ़ी, अल्लाह ने रसूल की तारीफ नहीं की, अपनी तारीफ की है, अपनी तारीफ की है कि मैं अल्लाह इसीलिए तारीफ का लायक हूं कि मेरा रसूल ऐसा है। अल्लाह ने अपनी तारीफ का, अपने वजूद का दलील बनाया रसूल को, तारीफ अपनी की दलील बनाया रसूल को। रसूल ने अपनी नबूवत का दलील अल्लाह को नहीं बनाया, अल्लाह ने अपनी वहदानियत का दलील रसूल को बनाया कि ये मेरा, मैं अल्लाह तारीफ के लायक इसीलिए हूं कि मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है जिसमें कोई ऐब नहीं है, जो आलमीन का हादी है, जो तुम पर आयतें सुनाता है। अल्लाह ने तारीफ अपनी की और दलील बनाया रसूल की जात को। रसूल ने दलील अल्लाह को क्यों नहीं बनाया, रसूल ने क्यों बनाया? फर्क करो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर रसूल दलील बनाता, अगर रसूल दलील बनाता, फर्क करो मैं यहां आया, मैंने हाशिम भाई से पूछा, हाशिम भाई यहां कोई अच्छी चीज है? कहा हां से, यहां हमारे पास फर्नीचर ऐसा बनता है, कारपेंटर ऐसे हैं, आप टेबल तो बनवा कर देखें। मैंने टेबल बने कहा ठीक है, कारपेंटर को बुलाया हाशिम भाई ने, हाशिम भाई ने कारपेंटर से कहा, उसने कहा सही पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई बढ़ाई है ही नहीं, कोई कारपेंटर है ही नहीं। मैंने कहा मुझे टेबल चाहिए, और जब वो टेबल उसको बनाकर मेरे सामने लेकर आया, मैंने देखा ये क्या है, ये 3 टांगे ऊपर 1 टांग नीचे क्यों है? अब मैंने टेबल को कहा टेबल तू खराब है, टेबल तुम में ये ऐप है। आप कहेंगे कि बेवकूफ है, ये टेबल का ऐप नहीं है, ये उसका ऐप है जिसने अपनी सनात का दलील बनाया था टेबल को। ये टेबल का ऐप नहीं है, ये कारपेंटर का ऐप है। तो अगर रसूल अपनी नबूवत का दलील अल्लाह को बनाता
तो आज मुसलमान हम जैसा था यहाँ गलती कर गया, हम जैसा था इसीलिए यहाँ गलती कर लिया, इसीलिए अल्लाह ने अपनी वहदानियत का दलील बनाया रसूल को कि अब्दुल हकीम अब अगर कोई मेरे रसूल से ऐब निकाले तो समझना उस बेईमान का मेरी जात पर ईमान नहीं। पूरी तवज्जो कर, समझ में आ गई बात, पूरी तवज्जो कर रहा हूं। अब अगर कोई मेरी रसूल के जो भी मेरे रसूल के रसूल से ऐब निकाले, जो भी मेरी रसूल के साथ से ऐब निकाले, समझना उस बेईमान का अल्लाह पर ईमान नहीं है। अरे मैंने ऐब किया कि खास, अरे तुम कम अज कम जिस अल्लाह ने कहा था कि कुरान जिक्र है, हालांकि आपने तर्जमा कह दिया इन्ना नहनु नजल न जिक्र व इन्ना लहुल हाफिज़ून, हमने इस जिक्र को उतारा, कुरान का लफ्ज तो है ही नहीं, या आप कुरान कहां से लफ्ज लेकर आए, लेकिन हमने माना। लेकिन जिस अल्लाह ने कुरान को जिक्र किया था, कहा था कुरान को जिक्र कहा था, उसी अल्लाह ने सूरत तलाक में इरशाद फरमाया कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया और वो जिक्र मेरा रसूल है, जिक्र मेरा रसूल है, जिक्र मेरा रसूल है, अल्लाह जाकिर है, रसूल जिक्र है, अल्लाह जाकिर है, रसूल जिक्र है, किसका, अल्लाह का। पता चला, बुनियादी तौर पर पता चला कि अगर मैंने तो उसमें यह किया था कि कम अज कम मुसलमान रसूल को कुरान जैसा मानते, लेकिन हमारा और मेरा अकीदा यह है कि हमारा रसूल हर हालत में कुरान से अफजल है, क्यों, तो कुरान भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, रसूल भी जिक्र है, लेकिन कुरान जिक्र है रसूल का, रसूल जिक्र है अल्लाह का, कुरान दलील है रसूल की नबूवत का, और रसूल दलील है अल्लाह की वहदानियत का, रसूल दलील है अल्लाह की वहदानियत का। कुरान 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 मशरूत है, रसूल शर्त है, कुरान मशरूत है, रसूल शर्त है, अगर रसूल न होता तो कुरान न होता। अरे भाई फिर क्यों नहीं रसूल को कुरान जैसा मानते, क्यों, लिख दो जहां जाए, मैं आया हूं, जितने मुसलमान भाई हैं पूरी दुनिया में एक जुमला मेरे पास लिखवा के लेकर आओ कि हमारा रसूल कुरान जैसा, हमारा मेरा तो अकीदा ये है, अब जो आयत पढ़ूंगा और तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कि क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते कि हमारा रसूल कुरान जैसा है, हमारा तो अकीदा ये है कि रसूल शर्त है, अगर रसूल ना होता कुरान ना होता, तो एक जुमला लिखवा के लेकर आओ, ये झगड़ा तू, ये मजहबी फसादात तू, लिख दो कि हमारा रसूल कुरान जैसा बेऐब और मासूम है, हमारा रसूल कुरान जैसा बेमिसल, हमारा रसूल कुरान जैसा बेऐब और बेऐब, और हमारा रसूल जो है कुरान की तरह मासूम है, क्यों, कोई नहीं लिख देगा, क्यों, आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ। ये अल्फाज अभी मैं पढ़ रहा हूं, आयतें दो, ये आयतें हैं सूरत फातिर की, इरशाद हो रहा है वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल किताब हुवल हक मुसद्दिकल मा बैन यदै इनल्लाहु बिबादी लखबीरुन बसीर, मेरे हबीब मैंने तुम पर कुरान की वही की, और ये कुरान पिछली किताबों की तस्दीक करता है, ये हक है, हक पर नहीं, हक है ये कुरान, हक है और ये तस्दीक करता है पिछली किताबों की, और मैला बंदूक के राजब से वाकिफ, सुम्मा आपको पता है उलमा करा मौजूद होंगे, अरबी का कानून है कि जब जुमले में दरमियान में सुम्मा आ जाए तो फिर जो बाद वाला जुमला आएगा
उस पर अमल करना वाजिब हो जाएगा। सुम्मा मेरे हबीब, मैंने तुम पर कुरान को नाजिल किया। वो कुरान है क्या? वो कुरान हक है, वो कुरान मुसद्दक है। मुसद्दक नहीं, मुसद्दक है जो पिछली किताबों की तस्दीक करता है। पता चला कि हम इंजील को इसीलिए मानते हैं कि कुरान ने तस्दीक की है। तौरात को हमने इसीलिए माना है कि कुरान ने तस्दीक की है। जबूर को हमने इसीलिए माना है कि कुरान ने तस्दीक की है। लेकिन अल्लाह ने सुम्मा, लेकिन मेरे हबीब एक बात याद रख, मैंने कुरान पर वही की है तुम पर, लेकिन एक बात याद, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादना, इस कुरान के वारिस हम बनाएंगे, आप नहीं। इस कुरान के वारिस हम बनाएंगे, आपको नहीं हक है कि इस कुरान के वारिस बनाए, इस कुरान के वारिस हम बनाएंगे। अपने बंधु में से और वो बंदे जिनको हमने मुस्तफा बनाया है। पता चला आज यहाँ से शरारत का पता चला कि ये मुसलमान रसूल से ऐब क्यों निकालते हैं, ये रसूल को कुरान जैसा भी नहीं मानते। अरे क्यों? कि जब रसूल को हक नहीं है कि रसूल कुरान के वारिस बनाए, जब रसूल को हक नहीं है कि रसूल कुरान के वास बनाए, तो फिर तुम्हें किसने हक दिया है कि रसूल के वास तुम बना? जब रसूल को हक नहीं है कि रसूल कुरान के वास बनाए, तो फिर तुम्हें किसने हक दिया है कि कुरान के वास तुम बनाओ? अब पता चला शरारत का कि कहां से शरारत शुरू हुई कि इन्होंने रसूल को कुरान जैसा क्यों नहीं माना? क्यों? कुरान है बेमिसल, कुरान है बेऐब। अरे अगर रसूल को बेऐब मानते लिख देते हैं, तो फिर मैं भी एक सवाल पूछूंगा कि अगर वाकई तुम रसूल को कुरान जैसा मानते हो, तो पहली बात यह है कि जब रसूल को हक नहीं है कि कुरान के वास बना, तो तुम्हें हक किसने दिया है कि रसूल के वास बना? और अगर रसूल है कुरान जैसा, बेऐब है, मौसूम है, तो फिर कानून इलाही की तरफ आओ कि रसूल के बाद रसूल के मिंबर पर भी वो बैठ सकता है जो रसूल की तरह बेऐब हो। यही सबब है। समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? मैंने किया कि कम अज कम मुसलमान रसूल को कुरान जैसा मानते। और आइए जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, फिर चलता हूं कुरान हकीम की तरफ कि रसूल है क्या? क्या है? माफ करना मेरे दोस्तों, यह झगड़ा अली पर नहीं है, हुसैन पर नहीं है, झगड़ा रसूल पर है। अरे अली तो तब समझ में आए जब रसूल समझ में आए। अली तो तब समझ में आए जब रसूल समझ में आए। हसन और हुसैन तो तब समझ में आए जब रसूल समझ में आए। जब तुम्हें रसूल ही समझ में नहीं आया, तो अली कैसे समझ में आए? बतूल कैसे समझ? आइए चलता हूँ कुरान हकीम की तरफ। जितनी मैंने आयतें पढ़ी हैं, अब ऐसी आयत पढ़ूंगा, मैं समझता हूँ आपके बच्चे बच्चे को याद होगी। ये सूरत आल इमरान की बहुत बड़ी आयत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے میں نے روزِ ازل میں میں نے تمام انبیاء سوائے ڈالیا कि मैं तुम्हें किताबें देता हूं, हिकमत अता करता हूं, नबूवत अता करता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम में मेरा रसूल आएगा। इंतजार आने का करना, पैदा होने का नहीं।
इंतजार इंतजार आने का करना, पैदा होने का नहीं। यहाँ से पता चला कि इंतजार हादी के आने का किया जाता है, पैदा होने का नहीं। तुम में मेरा रसूल आएगा, और वो रसूल क्या होगा? मुसद्दिक होगा, जो तुम्हारी नबुवतों की तस्दीक करेगा, जो तुम्हारे साथ किताब है जो लेके जा रहे हो उसकी तस्दीक करेगा। उस पर जरूर 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 इस रब को समझी, बड़ा जुमेरात कर रहा हूं अली की मोहब्बत की मस्ती में, पूरी तवज्जो उस पर जरूर जरूर। नूने ताकीदी लाम लाजमी, जरूर 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 उस रसूल की। किसको अल्लाह कह रहा है? अब्दुल हकीम को, किसी आम इंसान को? तमाम मौसूमीन का मजमा, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया है कि तमाम के तमाम उस रसूल की जरूर जरूर, उस रसूल की जरूर जरूर मदद करना, जरूर 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 उस रसूल की जरूर जरूर मदद करना, और उस रसूल पर जरूर जरूर ईमान लेकर आना। या अल्लाह, ये क्या है? रसूल आपका मदद करें अंबिया, ये आप बिद्यत की बुनियाद डाल रहे हैं? बड़ा जुमला मैंने कह दिया हैदराबाद दखन में, मैंने किया या अल्लाह, ये तो बिद्यत की बुनियाद होगी। क्या अंबिया में आपसे ज्यादा ताकत है क्या? कह रहे हैं अंबिया को मेरे रसूल की जरूर जरूर मदद करना, जरूर जरूर। क्या ये अल्लाह है क्या? रसूलुल्लाह और गैर अल्लाह से मदद मांगी? पूरी तवज्जो था, एक एक जुमले पर गौर रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा रसूल और गैर अल्लाह से मदद मांगे, जरूर जरूर मदद करना, जरूर जरूर ईमान लेकर आना। अल्लाह ने फरमाया देखो करते हो इकरार का, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया शाहिद रहना, और शाहिदीन में से एक शाहिद मैं भी हूँ। ये बहुत बड़ा जुमला, अगर मेरे समझ में आ जाता, आपकी समझ में आ जाता, तो मैं समझता कि मेरी तकरीर जो है आज की तकरीर मेरी जो है कामयाब हो गई। उस पर जरूर जरूर ईमान लेकर आना, मेरे रसूल पर उसकी जरूर जरूर मदद करना। पक्का इकरार करते हो? हमने इकरार किया। शाहिद रहना और शाहिदीन में से, क्या मकाम है मेरे रसूल, और शाहिदीन में से एक मैं भी हूं। फिर जो भी फिर गया, आपने अंदाजा लगाया? मेरे नौजवानों जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मेरे सामने बच्चा कोई नहीं बैठता, वो बैठे जिसका इतना दिमाग हो, इतना दिमाग लेकर फिर आन के बैठो। फिर अल्लाह ने फरमाया तुम शाहिद रहना और शाहिदीन में से एक शाहिद मैं भी हूं। फिर जो भी फिर गया, यानी अल्लाह ने अपनी रात को भी मिला दिया कि जो भी सर न हिला, मेरे भाई सर नहीं, मजलिस में सर नहीं, इबादत में सर को हिलाया नहीं जाता। फिर जो भी फिर जो भी फिर जो भी फिर जो भी फिर गया तो वो फासिक होगा। ये है मकाम रसूल। यहां से पता चला कि हमारा रसूल क्या है, पता चला जिसकी मदद न करने पर, जिसकी मदद न करने पर, जिसका जिस पर जिसके जात पर ईमान न लाने पर और मदद न करने पर तमाम अंबिया की नबुवतें बेकार हो जाएं। समझने की कोशिश, समझने की कोशिश मेरे बच्चे, समझने की कोशिश, समझने की। मकाम रसूल क्या हुआ? मैंने से कुरान, मकाम ये हुआ कि जिसकी मदद न करने पर, जिस पर ईमान न लाने पर आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की नबुवतें बेकार हो जाए, उसको कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे हाँ, अगर कोई नबी मोहम्मद पर ईमान न लाए, कोई नबी मोहम्मद की मदद न करे तो वो फासिक है। कोई नबी मदद न करे, कोई नबी मदद न करे तो वो फासिक हो जाता है।
اب قبلہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں علی کی محبت کی مستی میں یہ جملہ نہ کہتا. اب دیکھا رسول کے مقام سمجھ میں آیا کہ رسول کیا ہے, کہ جس کی ذات پر ایمان نہ لانا اور جس ذات کی مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں, اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ضرور ضرور ایمان لے کر آنا, ضرور ضرور مدد کرنا. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی اور 73 فرقے میرے مسلمان بھائی اس پر متفق نہ ہوتے تو میں یہ آیت بھی نہ پڑھتا. لیکن قرآن میں ہے کہ رسول کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی نبی رسول پر ایمان نہیں کرنا ہے تو اس کی نبوت بیکار, کوئی نبی محمد کی مدد نہ کرے تو اس کی نبوت بیکار ہے. لیکن جب سورۃ مائدہ پر نظر پڑی تو اسی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول. سمجھ سنیں سنیں جملہ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, جملہ سنیں. جہاں جہاں میری جہاں جہاں میری آواز آ رہی جہاں جہاں سنیں غور سے جملہ سنیں. یہ جملہ میرا جملہ ہوا میں اڑنا جا رہا. جس اللہ نے کہا تھا رسول کے لیے کہ میرے رسول کا یہ مقام ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی میرے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے گا, مدد نہیں کرے گا تو ان کی نبوتیں بیکار ہیں, اسی اللہ نے رسول کو کہا یا ایھا الرسول بلغ, ابلغ نہیں, اے میرے رسول ضرور ضرور پہنچاؤ, ابلغ نہیں کہا, ضرور ضرور. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پورے قرآن حکیم میں میرے سنی شیعہ بھائی, پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا. بلغ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا. اس آیت میرے رسول, اور علامہ اشرف الفی تھانوی نے کیا ترجمہ کیا کہ میرے رسول جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت بیکار ہے. یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں, اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور جس کی ولایت نعرہ حیدری, سنا جملہ پورا سنا, جملہ پورا سنیں. یہاں سے پتا چلا کہ جس کی نبوت پر ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے, اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن جس کی ولایت کا اعلان نہ کرنے پر رسول کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے, اس کو قرآن میں علی ولی اللہ. آگے بات
अलावा तमाम मुसलमान घबराए नहीं, पूरी तवज्जो। मैंने कहा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग, अब ये हैदराबाद दखन है, अल्लामा रशीद तुरावी मरहूम का ये शहर है। मेरे दोस्तों मैं एक जुमला करना चाहता हूं, आप कहेंगे दलील जो उसकी किया, जिसके विलायत का ऐलान न करने पर रसूल की नबूवत बेकार हो जाती है, उसको कुरान में अलील वलीला का दिया। आइए चलते हैं। कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें गदीर का वाकया न हो। मैंने क्या ये बात की बात है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं छोटा सा एक पीस जो है वो खुतबे का भी पढ़ूंगा, लेकिन ये तो बातें वाजे हैं मेरे दोस्तों। तफासीर में कहा हुजूर अकरम ने ऐलान किया, मिंबर बनाया, गदीर के मैदान में पलानों का मिंबर बनाया, मिंबर बनाकर ऐलान किया। ये इंशाल्लाह अगर आ गया, क्योंकि वो जो खुतबा है वो तो उसके लिए एक अलग अशरा चाहिए, गदीर का खुतबा छोटा नहीं है, उसके लिए एक अलग अशरा चाहिए। तो हुजूर अकरम ने ऐलान किया, मन कुंत मौला फहाजा अलीन मौला, मन कुंत मौलाह फहाजा फहाजा अलीन मौला। और बहुत ऐसी ऐसी भी किताब है जिसमें ये है, मन कुंत मौलाह फ अलीन मौला, क्योंकि जब फे आती है तो हाजा की जरूरत नहीं। बड़ा जुमला है, समझने की कोशिश कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, तमाम उलमा हजरात मेरे तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, ये रसूल ने क्यों कहा फकाफी था, ये हाजा क्यों कहा फौरन के लिए बिला फसल के लिए, मन कुंत मौला फ अलीन मौला काफी था, ये हाजा क्यों कहा फ हाजा। ये मेरे दोस्तों याद रखना, याद रखना, यही सबब है कि आज जो नादे अली जनाबे अली अलैहिस्सलाम के कब्र अतहर पर फानूस पर लिखी हुई है। तो मेरे मुसलमान भाई कुछ कहते हैं कि ये जो रसूल ने कहा था ना खैबर में नाद अलियन, तो ये उस अली को अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह का भी अली नाम है, उसको पुकारा था, उसको, इस अली को नहीं उसको। अगर रसूल ये कहता कि मन कुंत मौला फालीन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो आज का मुसलमान भाई वो ही अली जिसको खैबर में पुकारा था, इसीलिए फरमा वो अली नहीं जिसका मौला फहाजो। नारे हैदरी, समझ में आ गई बात, ये जो अली है ये अली जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अब मेरा दोस्त जुमला है उसको कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात हो गई, सबने मेरे मौला अली को मुबारक दी। लेकिन एक जुमला ये है, मैं हैरान हूं कि एक था ऊंटनी पर सवार था और वो आया और ये जुमला कहा, अगर ये आयत कुरान में न होती और मुसलमान इसका तफसीर न करते तो मैं कभी न पढ़ता, क्योंकि मैं कंट्रावर्सल गुफ्तगू का आदि नहीं। अब आया हार्स बिन नौमान सहरी आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपने कहा है या अल्लाह ने, तो कहा मेरा कलाम मेरा फैल वही है जो उसका है, ये मैंने नहीं कहा उसने कहा। अब ये कहता हुआ चला और उसको अल्लाह ने कुरान में जगह दी सूरत अनफाल में, अल्लाहुम्मा इनकान हाजा हुवल हक मिन इंदिका फामतरा लेना हिदारत मिन समा। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह को मान रहा है, रसूल का सहाबी है। बड़ा जुमला है, क्योंकि आज मैं समझ गया बस यही है। काफी खतीब के लिए होती है कि आपका जो मिजाज है समाज का वो बहुत बुलंद है, इसीलिए कल हकीकी तौर से मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। मैंने क्या कहा, आपका जो समाज का मायार है वो मैं समझ गया। मैंने क्या क्या कहा, अल्लाहुम ये सूरत अनफाल, अल्लाहुम इनकान हाजा हुवल हक मिन इंदिका फामतरा लेना हिजारत मिन समा। ए परवरदिगार, अगर ये अली आपकी तरफ से हक है, ये अली आपकी तरफ से हक है, तो मेरे ऊपर पत्थर का अजाब नाज़िल, ये अली
बड़ा जुमला है, घबराए नहीं, घबराए नहीं। देखो जल्दी जल्दी सवा घंटा गुजर गया। ये अली परवरदिगार, ए मेरा परे, मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, हाथ में नौमान फैल, अल्लाह का मुखालिफ नहीं, बड़ा मुबहिद है, ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह हम इनका नहाजा हो हक मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारत मिन समा। ए मेरे परवरदिगार, अगर ये अली आपकी तरफ से हक है तो मेरे ऊपर पत्थरों का अजाब नाज़िल कर। बस ये कहना था या सहाबे किराम ने आसमान की तरफ देखा, एक छोटा सा परंदा था अबाबील, उसके चूंच में पत्थर था। एक एक जुमले में मेरा नुक्ता होता, परंदा था छोटा, उसकी चूंच में पत्थर, हज था, ताजे ताजे बाल मुंडाए थे, पूरी तवज्जो जहां जहां मेरे जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तमाम हजरात के लिए, वो परंदे के चूंच में पत्थर, परंदा नीचे आया, टिंड में पत्थर लगा, आया ऊंटनी पर, आया दोनों मर गए, दोनों दोनों ऊंटनी भी, दोनों बड़ा जुमला। फिर मैंने कहा इतना बात दखन, जो परंदा लेकर आया, परंदा अबाबील लेकर आया, अबाबील अबाबील लेकर आया, परंदा चूंच में पत्थर है, आया टिन पर लगा, हाथ में नौमान फारिक, नीचे उतरा ऊंटनी को लगा, दोनों मर गए। मैंने आलम तस्सार में सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, अगर हाथ में नौमान फारिक अली की विलायत का कायल था, उसको अजाब मिलना चाहिए था, ये ऊंटनी ने कौन सा कसूर किया? अगर ये जुमला मेरा समझ में आ जाता तो आप जरूर जरूर दाद देते, लेकिन आपका पता है कि मेरी रूह वहां खड़ी है, जहां मेरी रूह खड़ी है आपको वहां आना पड़ेगा, मेरा आपको वहां आना पड़ेगा। या अल्लाह, इसने कसूर किया था, ये अजाब ऊंटनी पर क्या चुन गया? अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, आज मैंने तमाम आलम इंसानियत को समझाया कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी अली के मुकाबले में आए, बड़ा जुमला था मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये अब्दुल हकीम कर रहा है, ये आपकी सतह से बड़ा जुमला था जिसको आपने नहीं समझा। यही सबब था कि किसी जंग में कोई ऊंटनी पर सवार होकर आया था तो अली ने कहा किसकी टांगे काट दो, तो कहा मौला ये ऊंटनी जानवर है, कहा जानवर नहीं, जो मेरे मुकाबले में आता है वो शैतान है। समझ में आया? अभी एक बड़ा जुमला कर रहा हूं, एक बड़ा जुमला तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, और वो जुमला ये है, घबरा तो नहीं गए मेरे भाई, और वो जुमला ये है जो मैं कहना चाहता हूं, घबराए नहीं मेरे भाई, वो जुमला ये है, वो जुमला ये है जो मैं भी कहना चाहता हूं। या अल्लाह, या अल्लाह, ये हाथ में नौमान फारी हाजी था, मुसलमान था, नमाजी था, रसूल का सहाबी था, इसने कौन सा कसूर किया था? इसने कौन सा कसूर किया था? कौन सा कसूर किया था? या अल्लाह, थोड़ी सी सजा देते, ये इतनी बड़ी सजा क्यों? अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, अगर ये हाथ में नौमान फारी मेरा दुश्मन होता तो छोड़ देता। पूरी तवज्जो, पूरी, अगर ये हाथ में नौमान फारी मेरा दुश्मन होता तो छोड़ देता, मेरे रसूल का दुश्मन होता तो छोड़ देता, ये है अली का दुश्मन। नारे हैदरी, आ
दुश्मन है के? अब यहां से पता चला पूरी तवज्जो। घबरा तो नहीं गे मेरे भाई, घबरा तो नहीं गे। अब मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, किसी मुसलमान को तब एतराज हो जब मैं कोई हदीस पढ़ू। अब ये कुरान की है, अब ठीक है पूरी तवज्जो चाह रहा। अब घबरा जब वो मर गया, अब आए मुसलमान, या रसूल अल्लाह कैसा भी था अपना था। घबराए न। मैंने कहा मेरी तकरीर कंट्रावर्शियल नहीं होती, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए होती। अब कोई कुरान को न माने उसमें मेरा कसूर, तफसीर में गलत करूं मैं मुजरिम। कुरान मैंने क्या कि मुझे तो हदीस पढ़ने का हक है, मुझे तो हदीस पढ़ने का हक है भाई, हदीस पढ़ने का हक है। और माफ करना मेरे दोस्तों, क्योंकि जनाब सैयदा के सिलसिले में मजालस है, मैं तमाम मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बुखारी शरीफ में क्यों आप हजरात से भी पूछना चाहता हूं मैं। क्या क्यों भाई, क्या क्या मसला था भाई? आप कहते हैं, रोते हैं कि जनाब सैयदा बाग सिद्दीक के लिए गई थी, मेरा अकीदा ये नहीं, क्यों गई थी? वो भी जो कायनात की मालिका है, वो कहीं क्यों गई थी? दरबार में क्यों गई थी? गई क्यों थी दरबार? आप हैरान होंगे, बीबी दरबार में क्यों गई थी? भाई दरबार में गई, 9 आयतें पढ़ी, 9 आयत। कितनी आयतें? 9 आयतें पढ़ी, वापस आई। क्या मकसद है? मुझे कोई बुजुर्ग समझाए तुझे, जो भी मुसलमान मुझे समझाए, रसूल की बेटी है, गई 9 आयतें दरबार में पढ़ी और वापस आई। क्यों? मकसद यह था कि अब्दुल हकीम, मैं उनकी दरबार में गई थी जिन्होंने कहा था कि कुरान काफी है, बड़ा जुमला है। अब्दुल हकीम, मैं उनकी दरबार में गई थी, ये और नहीं है, वही है जिन्होंने कहा था कि कुरान काफी है। और मैंने जाकर उस वक्त जब मेरे बाबा ने हदीस पढ़ी थी, तो कहा था कि कुरान काफी है। और जब मैंने 9 कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तो ये कुरान को छोड़कर हदीस पढ़ रहे हैं। ये है बड़ा, ये बड़ा जुमला को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरे बड़ा जुमला है जिसको आप समझने की कोशिश करें। अब्दुल हकीम, जब मेरे पापा ने हदीस पढ़ी थी तो इन्होंने कहा था कि कुरान काफी है, और जब मैंने कुरान की 9 आयतें पढ़ी हैं तो ये हदीस पढ़ रहे हैं। मैं इसीलिए आई हूं कि जब बाबा ने हदीस पढ़ी थी तो कहा था कि कुरान काफी है, और जब मैंने कुरान पढ़ा है तो ये हदीस पढ़ रही है। आज मैं आलम इस्लाम को बताने के लिए आई हूं कि जिनके पास मैं आई हूं उनका न बाबा पर ईमान था, न कुरान पर ईमान था, न अल्लाह पर ईमान। नारा हैदरी, समझ में आ गई बात मेरे बच्चे? आ गई बात समझ में? अब क्या कहा मुसलमानों ने, हर दौर में यही कहते। अब आए या रसूल अल्लाह, जैसा भी था अपना था, चलो नमाज तो पढ़ो। बड़ी बात कर रहा हूं, घबराए नहीं, कुरान से पढ़ रहा। अब जैसे ही कहा कि या रसूल अल्लाह जैसा भी था अपना था, नमाज पढ़े, बस ये कहना था, या अल्लाह ने आयत नाज़िल की, आयतों की बारिश हो गई, और ये जितने आयत पढ़ रहा हूं सूरत तौबा की, वला तुसल्लि अला अहदी मिनहुम मात अबदा, मेरे रसूल इनमें से, ये जो तुम्हारे सामने हाजी हैं, इनमें से जो इस अकीदे पर मरे
उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ना, यह बड़ा बड़ा जुमला नौजवान समझने की। इनमें से जो भी सकीदे पर मरे उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ना। वला तकुम अला कब्र, और इस अकीदे पर जो भी मरे उसकी कब्र पर जाकर दुआए मफरत न मांगना। क्यों? इन्नहुम कफरू बिल्लाह व रसूल ही व मातू व हम काफरून। मेरे हबीब, जिसने अली की विलायत को नहीं माना उसने न मुझे माना न आपकी रिसालत को माना, और जब मर गया तो उसकी मौत कुफर पर है। समझ में आ गई बात जो मैंने कहा था? आपको बात समझ में आ गई? मैंने क्या, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों को, पहले रसूल को समझो। समझ में आ गई बात? अब देखें कि बहुत टाइम गुजर गया, डेढ़ घंटा गुजर गया है, अगर एक बात और चला जाऊंगा तो दो घंटे की फिर जरूरत। तवज्जो कर, घबराए, समझ में आ गई बात? पूरी तवज्जो, घबराए नहीं मेरे अर्जू, मैंने यही अर्ज किया था कि अगर कुरान में आयतें न होती। अब एक आयत पढ़ता हूं, और ये वो आयत है कि जिसकी तफसीर में भी इख्तलाफ है। कुरान हकीम की ये वाहिद आयत है जिस पर तमाम मुसलमान भाई मुत्तफिक है। घबरा तो नहीं गए मेरे भाई? तवज्जो, पूरी तवज्जो। मैंने अर्ज किया कि कुरान हकीम की ये वाहिद आयत है, ये वाहिद आयत है, कुरान हकीम की ये वाहिद आयत है जिसकी तफसीर में भी किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है, और वो आयत है आयत मुबाहला। वो आयत है आयत मुबाहला, वो है आयत मुबाहला। और किबला अल्फाज क्या है कुरान के? अब आइए, तवज्जो, जहां जहां आवाज आ रही है जो मैंने अर्ज किया, जिस पर मेरी गुफ्तगू हो रही है, क्या है आवाज? समन हाजकफी मिम्बद मा जा का मिनल इलिम। मेरे हबीब, अल इलिम के बाद, अल इलिम के बाद, कुरान के बाद, कुरान के बाद, अगर ये नसरानी तुमसे दलील मांगते हैं कुरान के बाद, कुरान के बाद, बड़ा जी, कुरान के बाद, कुरान के बाद, समन हाज कफी मिन बाद मा जा का मिनल इलिम। कुरान के बाद, कुरान के बाद, अगर ये नसरानी तुमसे दलील मांगते हैं कुरान के बाद, तीन दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा, तीन दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, इन मसल ईसा इन दल्ला का मसल आदम खलको मिन तुराबन। जनाबे ईसा की मिसाल आदम जैसी है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। तीन दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा, और आयत ने क्या पता जो पूरी सही पूरी आयत, मैं आधी आयत नहीं पढ़ता, पूरी आयत, समन हाज कफी मिन बाद मा जाक मिनल इल्म। मेरे हबीब, अगर कुरान के बाद अगर तुमसे कोई दलील मांगती है तो फकुलत आलो नज अबनाना व अबना व निसाना व निसा व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल व नज अलानत अल्लाह अलल काज़िबीन। तो तुम उनको कह दो तीन दिन कुरान पढ़ा का, कुरान पढ़ने के बाद भी नहीं मानते तो उनको कहा दो तुम अपने बेटे लेकर आओ, हम अपने बेटे, तुम अपनी निसा, हम अपनी निसा, तुम अपने नफूस, हम अपने नफूस, और फिर उनको
पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में, और जो अल्लाह की बारगाह में झूठा निकले उस पर अल्लाह की लाना। 3 दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा और अल्लाह अगर आयत नाजिल न करता तो सारे मुसलमान मेरे गिरेबान पकड़ते कि अब्दुल हकीम तुमने ये क्या कह दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि कुरान के बाद अगर ये तुमसे दलील मांगते हैं तो उनको कह दो कि तुम अपने बेटे हम अपने बेटे, तुम अपनी निसा हम अपनी निसा, तुम अपने नफूस तुम और हम अपने नफूस। कुरान के बाद अरे रसूल 3 दिन कुरान पढ़ता रहा, नसरानियों ने नहीं माना, तो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि जब कुरान रसूल के लिए काफी नहीं, अरे फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि 3 दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा, 3 दिन रसूल कुरान पढ़ता रहा, लेकिन जब कुरान नाकाफी हुआ वो तुम अपने बेटे लेकर आओ हम अपने बेटे। कितनी वसात है अल्फाजों में, मेरे तमाम पढ़ने मेरे तमाम पढ़े लिखे मुअज्जिसा में कितनी वसात है, अबनाना जितने बेटे। अगर अलफलाम होता तो कहते कि अलफलाम मार से गया, अब जितने बेटे निसा आना जितनी निसा है। आप कबला ये निसा जो लफ्ज है ये कुरान में 3 मानों में इस्तेमाल हुआ लफ्ज, या निसा अन्नबी ए नबी की बीवियां, बड़ा जुमला फिर खा गए मेरा, ए नबी की बीवियां, निसा में बीवियां शामिल हैं। युज़बिहून अबनाकुम व यस्तहयून निसाकुम, यहां निसा की माने बेटी है, निसा की माने मां है। अब देखो कितनी वसअत है कि मेरे रसूल जितनी बीवियां हैं उनको लेकर आओ, जितनी बेटियां हैं उनको लेकर आओ, अगर मां हो तो उसको लेकर आओ, और 73 फिरके हैं कि रसूल सर्फ और सर्फ। और जिस वक्त अरे जिस वक्त ये मुबाहला हुआ तो रसूल के रसूल रसूल की कम अज कम 9 बीवियां जिंदा थी, 9 बीवियां रसूल के 9 हरम जिंदा थे। लेकिन कुरान शाहिद है, तफासीर शाहिद है कि रसूल ने अपने घर से 1 को भी नहीं लिया और अली के घर से 1 को भी नहीं छोड़ा। घबरा देने दीजिए मेरे भाई, समझ में नहीं आ रही है बात जो मेरे सामने बैठे, समझो समझो मेरे भाई, मैं न बोलने वालों को आगे नहीं बिठाता मैं बड़े। मुबाहले में हजूर अकरम की 9 हरम जिंदा थे किबला, लेकिन रसूल ने अपने घर से 1 को भी नहीं लिया और अली के घर से 1 को भी नहीं छोड़ा, 1 को भी नहीं छोड़ा। और मैंने आलम तसर में अबना की जगह पर हसन और हुसैन, निसा की जगह पर बतूल, नफ्स की जगह पर अली, जितनी किताबें हैं मुझे कोई दिखाए, जितनी तफासिर है मुझे कोई दिखा ले, मैं मजहब छोड़ दू खिताबत छोड़ दू। अपना की जगह पर हसन हुसैन, निसा की जगह पर बतूल, नफ्स की जगह पर अली। अब कितना अजीब अंदाज है, मैं क्या कहूं, कोई एक किताब होती उलमा मेरे सामने मौजूद है, कोई एक किताब होती तो मैं किसी किताब का हवाला ले देता, लेकिन रसूल चले कैसे थे, एहतजन अल हुसैन, हुसैन को गोदी पर उठाया, एहतजन अल हुसैन व अखजा बियदिल हसन, हसन की उंगली पकड़ी, व फातिमा तमशी खल्फ, फातिमा रसूल के पीछे,
वह अली यमशी खल्फा, और अली फातिमा के पीछे, आगे रसूल, आगे रसूल, एक एक बेटा गोद पर, एक बेटे की उंगली पकड़ी, पीछे फातिमा, पीछे अली। या अल्लाह, ये अजीब मंजर है, मुझे समझ में नहीं आता, शोहर और बीवी के पीछे। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या है? आगे आगे रसूल, पीछे बतूल, पीछे अली। पहले तो अल्लाह की आवाज है, अब्दुल हकीम खामोश, पहले कुरान को दे, पहले कुरान को दे। मैंने क्या कहा है? फकुल तआलो ने जो अबनाना व अबनाकुम, पहले बेटे हैं तो रसूल ने बेटे को आगे किया है, वनसाना फिर बेटी का जिक्र है, इसलिए मैंने बतूल को पीछे किया है, वह अनफुसना आखिर में नर्स का जिक्र है, इसीलिए मैंने अली को पीछे किया है, ताकि आज मैं दुनिया को बतलाऊं कि अहल बैत वो होते हैं कि जहां जिनके कुरान सामित में और कुरान नातक में कोई फर्क न हो। देखो अब्दुल हकीम, जैसे आयत नाज़िल हुई है वैसे ही मैं जा रहा हूं, और रसूल की आवाज है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये अली को आपने, ये कौन सा शोहर है जो बीवी के पीछे है? रसूल की आवाज है, अब्दुल हकीम आज मैंने दुनिया को बताया कि हम किस तरह जा रहे हैं। और बड़ी बात ये है, मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, ये बच्चे हैं, दोनों के माँ बाप मौजूद हैं, दो अपने माँ बाप को, तो अपने माँ बाप, ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, दो बाप को दो बच्चा, दो बेटी को दो बच्चा, ये आपने दोनों बच्चों को गोद पर उठाया दूसरी को उंगली में। रसूल की आवाज आई, अब्दुल हकीम तुझे मुसलमानों के मिजाज का पता नहीं, अगर ये बच्चे माँ बाप के पास होते तो कल आपको मुसलमान कहेंगे, अरे ये बच्चे होते हैं जहां माँ बाप जाते हैं वहां जिद कर, बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ना, तो जहां माँ बाप जाता है वहां बच्चे भी जिद करते हैं, तो कहेंगे कि ये माँ बाप की वजह, इसलिए मैंने इनको अलग किया है कि मुबाहले में जो मेरा मकाम है वही इनका मकाम, बड़ा जुमला है, ये जो मेरा मकाम है वो इन बच्चों का मकाम है, मुबाहले में जो मेरा मकाम है वही बतूल का मकाम है, वही अली का मकाम है, और इसी तरह मैंने आगे होकर बतूल को दरमियान में लाकर, अली को पीछे लाकर, आलम इंसानियत को बताया कि जब दुनिया आगे से देखे तो उसकी नजर नबूवत पर पड़े, और जब पीछे से देखे तो इमामत पर पड़े। बड़ा जुमला करा, घबराए नहीं मेरे भाई, मेरे सुन्नी शिया भाई, मेरा सुन्नी शिया भाई, बड़ा जुमलात कर रहा हूँ, बड़ा जुमलात कर रहा हूँ। देखो अल्लाह की मशीहत, देखो आगे नबूवत है, दरमियान में फातिमा है, पीछे अली है, रसूल ने बताया आगे जब नजर पड़े तो नबूवत पर नजर पड़े, पीछे से नजर पड़े तो इमामत पर नजर पड़े, और अगर दरमियान से बतूल निकल जाए तो न नबूवत का पता चलेगा ना इमामत का। नारे हैदरी, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? जहां जहां मेरे आज का आखिरी मेरा जुमला ये, आज का मेरा आखिरी जुमला ये, मैंने इसका मेरे दोस्तों कोई जरूरत नहीं, तमाम 73 भाई 73 फिरके मुत्तफिक है। जब रसूल चले और वहां गए तो क्या कहा, वहां गए तो क्या कहा, मैदान मुबाहले में गए तो जो जो पादरी थी, जो पादरी थी, उन्होंने कहा इन बाहलना बेकौम ही बाअलना, इन बाहलना बेकौम ही बाहलना, व इन्नहु लैस नबीयन, अगर रसूल अपने असहाबों को लेकर आए तो मुबाहला करना और समझना ये सच्चा नबी नहीं।
हजारों की तादाद में बैठे हुए, इतना बड़ा मजमा। मैंने क्या क्या लफ्ज है, इन बाहलना बेकौम ही बाहलना फैनहु ला सनबियन, कितना बड़ा जुमला है जो कयामत तक काम आए, हर दौर में यह जुमला काम आए। अगर मोहम्मद असहाब को लेकर आए, कौम को लेकर आए, तो मुबाहला करना और समझना कि यह सच्चा नबी नहीं है। वह इन बाहलना बे अहल बैती खासतन फलान बाहल फइन्नहु ला यकदमिला अहल बैती इल्ला वह सादिकुन, अगर मोहम्मद अहल बैत लेकर आए तो मुबाहला न करना, क्योंकि जो मुसीबत में अपनों को आगे करता है वो झूठा नहीं होता। इससे बढ़कर मेरे पास तो अब सारे आप जो है, मैंने क्या कहले जबान भी है और मैंने क्या कितने जद्दी पुश्ती मोमिन भी है, मैंने क्या कितना बड़ा जुमला है पादरी का कि अगर मोहम्मद कौम को लेकर आए तो मुबाहला करना, समझना कि सच्चा नबी नहीं है, और अगर अहल बैत को लेकर आए तो मुबाहला न करना, समझना, क्योंकि जो मुसीबत में अपनों को आगे करता है, जो मुसीबत में अहल बैत को आगे करता है वो सच्चा होता है, झूठा नहीं। मैं हैरान हूं, जब ये आए तो देखा कि इनसे मुबाहला न करना, मैं इसे चेहरे देख रहा हूं, मैं हैरान हुआ, या अल्लाह ये हैं तो पादरी लेकिन उनको भी इतनी अकल है कि अहल बैत कौन है, असहाब कौन है, और 1400 बरस गुजरने के बाद भी मुसलमानों को तासुब में ये समझ में नहीं आया कि अहल बैत कौन है, असहाब कौन है, और जब रसूल पहुंचे तो ये तमाम मुसलमान भाइयों के किताबों में हजूर अकरम ने क्या फरमाया, या अलियो या फातिमत या हसन या हुसैन फैजाना दाऊत फामिनू, ए अली ए फातिमा ए हसन ए हुसैन, जब मैं रसूल दुआ मांगू तो तुम आमीन कहना, इसीलिए कि आज मैं अपनी दुआ में तुम्हें वसीला बना रहा हूं। पूरी तवज्जो मेरे मुसलमान भाई, ये अजीब जुमला है, ए अली ए अली ए हसन ए फातिमा ए हसन और हुसैन, जब मैं रसूल दुआ मांगू तो तुम आमीन कहना, क्योंकि मैं अपनी दुआ में तुम्हें वसीला बना रहा हूं। अरे मेरा आज भी अकीदा है, अगर रसूल इरादा करता तो एक नसरानी जमीन पर न रहता, नसरानियों की बीत खत्म हो जाती, लेकिन आज रसूल ने तुम्हें समझाया कि जब तक मैं रसूल इनको वसीला नहीं बनाता मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं होती। अरे अभी जो पूरी दुनिया में मुसलमान मुसलमान पूरी दुनिया में जो जलील हो रहे हैं, ये इसीलिए जलील हो रहे हैं कि अल्लाह ने कहा करज मैं तो रसूल की भी दुआ मुस्तजाब नहीं करता, जब तक अली को फातिमा और हसन हुसैन को वसीला नहीं बनाते तो मैं तुम्हारी दुआएं कैसे मुस्तजाब करूं। नारा हैदरी, देखे भाई पूरी तवज्जो, मुझे बड़ा मजा आया, और इंशाल्लाह कल जहां पर मैंने तकरीर को छोड़ा है वहीं से शुरू करूंगा। पता चला कुरान काफी नहीं है, जब तक इनके वारिस न हो, और कल इंशाल्लाह दावत फिक्र आपको दूंगा, और इंशाल्लाह जो अगर तासुब की ऐन की उतार कर मुसलमान समझे तो मैं समझता हूं कि दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुसलमानों ने दीन को मुश्किल बनाया है। क्योंकि देखो मैंने इतनी आयतें पढ़ी, कितनी आयतें मैंने पढ़ी, तो कभी अल्लाह ने कहा कि ये कुरान नूर है, खाना लाने ये कुरान नूर है, कभी कहा कि ये कुरान ताहिर है, कभी कहा कि ये कुरान अजीम है, कभी कहा कि ये कुरान शफा है, कभी कहा कि ये कुरान रहमत है, कभी कहा कि ये कुरान आला है, कभी कहा कि ये कुरान मुबीन है, कभी कहा कि ये कुरान मोजजा है,
कभी कहा कि ये कुरान अम्र है, कभी अल्लाह ने कहा कि ये कुरान जिक्र है, कभी अल्लाह ने कहा कि ये कुरान मुश्किल है। तो कबला अगर इन ये 12 लफ्ज हैं, अगर ये लफ्ज 12 समझ में आ जाए, ये जो इजाफतें हैं ये जो कुरान की इजाफतें हैं, अगर ये कुरान की इजाफतें समझ में आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल आसान है दीन समझ में। तो मेरे दोस्तों, यहां से पता चला कि ये कुरान की इजाफतें हैं। कुरान नूर है, ताहिर है, शफा है, मुबीन है, आला है, और ये कुरान जिक्र है, ये कुरान अम्र है, रहमत है, मुबीन है, मुश्किल है। तो अल्लाह ने कहा, लेकिन इसलिए तो मैंने कहा था कि फसालू अहले जिक्र इनकुन तुम ला तालमून, अगर तुम ला तालमून हो तो अहले जिक्र है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल हकीम देखो, अगर ये कुरान नूर है तो किसी मुजस्मे नूर से पूछो, अगर ये कुरान ताहिर है तो मरकज़े किसाए ततहीर से पूछो, अगर ये कुरान नूर है तो किसी मुजस्मे नूर से पूछो, और अगर ये कुरान ताहिर है तो मरकज़े किसाए ततहीर से पूछो, अगर ये कुरान शिफा है तो माल के खाके शिफा से पूछो, अगर ये कुरान आला है तो किसी मौला से पूछो, अगर ये कुरान मुबीन है तो इमाम मुबीन से पूछो, अगर ये कुरान रहमत है तो रहमतुल आलमीन से पूछो, अगर ये कुरान अजीम है तो नबल अजीम से पूछो, और अगर ये कुरान मौजदा है तो किसी मौजूद नमा से पूछो, अगर ये कुरान जिक्र है तो अहले जिक्र से पूछो, अगर ये कुरान अम्र है तो उल अम्र से पूछो, और अगर ये कुरान मुश्किल है तो किसी मुश्किल कुशा से पूछो। समझ में आ गई बात आपको? मैंने क्या मैंने देख रहा मैंने क्या कल तैयार होकर आना, कल तैयार होकर आना, मैं आपको समझ गया, कल तैयार होकर आना, पूरी तैयारी करके आना, जहां से मैं अपनी तकरीर को शुरू करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितने खुशकिस्मत हैं, यानी पंखे भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा चाहे 25 आदमी हो चाहे 50 लाख हो, ये हुसैन की मजलसी है, ये गरीबों की मजलस है, ये सियासी जलसा नहीं है। इसीलिए ये बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, आजादाराने हुसैन। देखो फिर भी गर्मी आपको लग रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा था, 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे, 4 तारीख से खैमे हटाए गए, 4 मुहर्रमुल हराम को खैमे हटाए गए थे, पानी से हटाए गए थे, यानी अब जो पानी 4 तारीख के बाद मौजूद था वो जैनब नहीं पीती थी, आनो मोहम्मद को पिलाती थी। मेरे दोस्तों, जनाबे उम्मे फरवा नहीं पीती थी, जनाबे कासिम को पिलाती थी, जनाबे रुबाब नहीं पीती थी, कभी असगर को पिलाती थी, कभी सकीना को पिलाती थी। मेरे मुस्ताद मरहूम फरमाते थे कि अब्दुल हकीम करबला के शहरी सारे 4 तारीख से प्यासे थे, लेकिन अली का बेटा अब्बास 9 दिन का प्यासा था। करबला में आया तो अब्बास ने पानी पीना छोड़ दिया, नौजवान करबला में अब्बास आया, हार करबला का शहीद, 4 दिन से प्यासा था, 4 तारीख से प्यासा था, लेकिन अली का बेटा अब्बास 9 दिन का प्यासा था। करबला में आया, पानी नहीं पिया, हां मौला मैं समझ गया तुझे वापस नहीं जाना। अजादारा ने हुसैन मुझे एक जुमला कहने दो, 10वीं मुहर्रम का सूरज चढ़ा,
लाशों के ऊपर लाशें आने लगे और अजादारा ने हुसैन एक मर्तबा करबला से आवाज आई, हल मिन नासरी यंसुरना। आपको पता होगा दो हस्तियों ने ये गुर्बत का नारा लगाया, दो हस्तियों ने ये गुर्बत का नारा लगाया। जंगे सफीन में मेरे मौला अली ने ये नारा लगाया था, लेकिन जब जंगे सफीन में मेरे मौला अली ने ये नारा लगाया था तो 12,000 लश्कर था, उन्होंने तलवारें निकाली। मौला आप गुर्बत का नारा न लगाए, पहले हमारे सरों को कलम करें फिर ये नारा लगाए। मौला अली तू बड़ा खुशकिस्मत है कि जब तुमने नारा लगाया तो आपके पास 12,000 का लश्कर था, लेकिन जब हुसैन ने नारा लगाया कोई मौजूद नहीं था। अरे बीबी जैनब की आवाज आई, भैया हुसैन मैं अभी जिंदा, भैया हुसैन मैं अभी जिंदा हूँ, भैया मेरी मौजूदगी में गुर्बत का ये नारा न लगाओ। और जनाबे फिजा को कहा मेरे भैया को लेकर आ। जनाबे हुसैन आया, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों बहनों को सलाम किया और जनाबे सैयद सज्जाद को अलविदा किया। घोड़े के करीब आए, अल्लामा मजसी अलैहि रहमत ने लिखा कि जब हुसैन घोड़े के करीब आया दो हस्तियां हुसैन के साथ थी, जनाबे जैनब और जनाबे सकीना। तो ये हमारे बताने के लिए हुसैन का घोड़ा चलो वो जगह दिखाऊं जहां मैं गिरूंगा, घोड़ा चलो वो जगह दिखाऊं जहां मैं गिरूंगा। यह एक मर्तबा घोड़े ने जबाने हाल में कहा, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया और घोड़े की आवाज है मौला वो जगह रात आपके मां ने मुझे दिखाई। मौला रात गुजर चुकी थी, एक काले बुरके वाली बीबी है, दोनों बाहें मेरे गले में डाली और कहा घोड़ा मुझे जानते हो, मैं हुसैन की मां जहरा हूं जिसने 3 मर्तबा अपनी चादर में तुझे दाना खिलाया था। घोड़ा चलो वो जगह दिखाओ जहां मेरा हुसैन गिरेगा। हुसैन ने कहा फिर घोड़ा क्या हुआ? कहा मौला आपकी मां मुझे करबला के एक झटकी जमीन पर लेकर आए। मौला अगर इम्तिहान न होता तो कयामत आ जाती। मौला जब आपकी मां उसी जगह पर आए तो सर से चादर उतारी और उस जगह को अपने बालों से साफ करने लगी और मुझे कहा घोड़ा मैंने हुसैन को चक्कियां पीस कर पाला है, घोड़ा मेरे बेटे को आस्था उतारना, कहीं मेरे बेटे को पत्थर न लग जाए। अजादारा ने हुसैन कहीं मेरे बेटे को पत्थर न लग जाए। अजादारा ने हुसैन ये अजीब जुमला है। अब हुसैन घोड़े पर सवार हुए, दरवाजे पर आए, घोड़ा रुका और जैसे घोड़ा रुका हुसैन घोड़े से उतरे, देखा सकीना घोड़े के आसमान की देखकर एक एक दुआ मांगी, या अल्लाह जब मैं नमाज शब पढ़ता था तो मैं दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे बेसी बेटी अता कर जो मेरे सीने से अलग न हो। या अल्लाह ये सकीना मेरी दुआओं का नतीजा है, आज तेरी मोहब्बत में उस सकीना को छोड़ के जा रहा हूं। और कहा सकीना बेटे जाओ जाओ, सकीना बेटे जाओ। आ बेटा सकीना आज के बाद भैया से जिद न करना, जहां कहे वहां सो जाना, जंगल में कहे सो जाना और आज के बाद अपने अम्मी के साथ सोना। तो कहा बाबा अम्मी के साथ तो भैया असगर सोता है, मैं तो आपके साथ सोती हूँ। तो कहा बेटा आज के बाद कयामत तक असगर मेरे साथ सोएंगे, तुम मां के साथ सोना। अजादारा ने हुसैन रब्बे काबा की कसम, और रब्बे काबा की कसम किसी ने मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग
यजीद ने शिमिर से पूछा था, शिमिर तूने जो हुसैन को कत्ल किया कैसे कत्ल किया? कहा यजीद मैं बड़ा जालिम हूँ, मैंने हुसैन को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। यजीद जब कोई हुसैन के पास नहीं गया तो उमर बिन साद ने मुझे कहा, और जब मैं गया तो बतूल का बेटा सजदे में था। कहा जैसे मैंने खंजर निकाला मैंने देखा 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई है, अपनी गर्दन को हुसैन की गर्दन पर रख और कहा शिमर मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। तो यजीद ने कहा शिमर फिर तूने क्या किया? कहा मैंने बच्ची को कहा कि बच्ची जाओ वरना मैं तुम्हें भेजूंगा। यजीद ने कहा फिर तूने क्या किया? कहा जब मैंने बच्ची को कहा कि जाती हो या मैं तुम्हें भेजू, तो बच्ची ने कहा यजीद पहले मुझे कत्ल करो फिर मेरे बाबा को कत्ल करो। सादा तो गए, सादा तो बस ये कहना था कि पहले मुझे कत्ल करो फिर मेरे बाबा को कत्ल करो। यजीद ने कहा शिमर फिर तूने क्या किया? कहा मैंने बड़ा जुल्म किया, मैंने 4 साल की बच्ची के बालू में हाथ डाला और कबला जो कबरी में है मैं वो नहीं बढ़ूंगा तो कहीं बतूल नाराज ना हो जाए। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने बच्ची को जब बालू में हाथ डालकर ऊपर किया तो कहा कि मैंने ऐसे फेंका कि मैंने देखा कि 3 मर्तबा सकीना गिरकर फिर उठी, गिरकर फिर उठी, गिरकर फिर उठी। और कहा जो बसी का बच्ची का बस न चला तो करबला के मैदान में दौड़ने लगी, है कोई मेरे बाबा को बचाने वाला, है कोई मेरे बाबा को बचाने वाला। इबादत अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह जो मेरे सामने बच्चे बुजुर्ग नौजवान उनको बड़ी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह उनका साया अपने बच्चों पर अपनी कौम पर देर तक दायम और कायम रहे। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद की अजमत का, जो मोमिन बीमार हैं उनको शफाए कामला अदलाता फरमा। या अल्लाह हमारे एमएम हाशिम साहब, या अल्लाह उसके बाद आज हमारे बड़े बुजुर्ग माजिद बिन शबीर साहब उसकी बेटी बीमार है उसको मुकम्मल सेहत याबी अता फरमा। और या अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सकीना का बाबा चाहिए, हमें जैनब का भाई चाहिए। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहां जहां मोमिन रहते हैं बसते हैं उनको अपने बच्चों के साथ शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह ये हुसैन का तज़किरा ये आले मोहम्मद का जिक्र कयामत तक जारी और सारी रहे। या अल्लाह इमाम जमाना का ज़ुहूर फरमा। या अल्लाह मिल्लत जाफरिया के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर, मुसलमानों में हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनके दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा कर। या अल्लाह एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहे। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद की अजमत का। या अल्लाह जिन मोमिनीन ने खास करके भाई हाशिम सैयद अली रजा ने ये जनाब सैयदा के सिलसिले में ये बड़ा इतना इंतजाम किया अपने बच्चों के साथ शादर आबाद फरमा। या अल्लाह मेरे सामने जितने मोमिनीन हैं या अल्लाह उनको बड़ी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह उलमाए हक जाकरीन हजरात को हर शरीर के शर से महफूज रख। या अल्लाह हमारी इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
वावेला।